हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फिट फॉर्म ब्लॉग्स। आई होप यू गाइस आर फिट एंड हैविंग फन इन योर लाइफ। सो दोस्तों, इससे पहले आगे वीडियो स्टार्ट करें, आई एम श्योर कल का मोदी जी का सबने लेक्चर देखा होगा जिन्होंने 20 लाख करोड़ का सपोर्ट दिया है। यार मैं जस्ट छोटी सी चीज शेयर करना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं भी मैंने जैसे मार्केट गिरी थी या इकोनॉमी गिरी थी, तो मैंने भी शेयर मार्केट में एंटर करने की कोशिश करी। मैं एंटर हो चुका हूँ, बट ये जो बूम अभी आ रहा है ना, जस्ट एक छोटा सा सजेशन है दोस्तों, जो भी शेयर मार्केट में घुस रहा है ना, इस समय कोशिश करो कि डेट फ्री कंपनीज में घुसना गाइस। अभी जो भी परसेंटेज ला के आप लोग बैठे हो ना कि जो प्रॉफिट निकल जाएगा मार्केट में, इंटरेस्ट भी मैंने भी थोड़ा बहुत अभी लॉस बना दिया है। सो जस्ट ऑन अ साइड नोट, मैं इसमें को लगा ये शेयर करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे हमारे से यंग लोग हैं जो कि ज़ीरोधा पे अकाउंट खोल के फटाफट जाके ट्रेडिंग लगा रहे हैं, अपनी लिक्विडिटी यूज़ कर रहे हैं गाइस। इज द टाइम वेयर इन आपको अपनी सेविंग्स को बचा के रखना है। मेरा सजेशन है प्लीज़ अपनी सेविंग्स को अपने पास बचा के रखो, और अगर हाँ किसी में इन्वेस्ट कर रहे हो प्रॉपर रिसर्च करना। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक गाइस, ये आपने आई बिलीव आप लोगों ने भी वीडियो का टाइटल पढ़ा हुआ है, इमेज में देखा हुआ है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज के बारे में, और वो है ट्राइसेप्स। यस, सो आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा कि ट्राइसेप्स बाइसेप्स की मसल के 3 times होती है साइज के परस्पेक्टिव से। यस, तो अगर आपके आर्म का अगर वॉल्यूम चाहिए ना, तो ये मसल अगर जितनी बड़ी होगी उतना आपका आर्म का साइज बड़ा लगेगा। एंड एट द सेम टाइम चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि ये वाला मसल ज़्यादातर लूज होता है या काफ़ी फ्लैबी हो जाता है, उसको टाइट करने के लिए भी ट्राइसेप्स की मसल का यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अब डेली रूटीन में हम इस मसल को उतना यूज़ नहीं करते, और अगर आप लोगों को बताओ जैसे पुश या पुल मूवमेंट होता है, जितने भी पुश मूवमेंट होता है किसी चीज़ पर जब धकेलते हैं तो उससे आपकी ट्राइसेप्स यूज होती है, राइट। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 exercises के बारे में, जो कि आप लोग इजीली घर पे रहकर कर सकते हैं विदाउट एनी डंबल, इवन विदाउट एनी वाटर बॉटल जो मैं आपको पहले शेयर करता था। आपको सिंपल जस्ट एक मैट चाहिए, अगर मैट भी नहीं जस्ट नॉर्मल क्लीन फ्लोर पे, आप इजीली अपने बॉडी वेट के यूज से आप इन ट्राइसेप्स की 4 exercises को कर सकते हैं। तो इसी के साथ गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं, और हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज आपको दिखाते हैं। सो अभी वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें मैं किस तरीके से अपनी आर्म्स को क्लोजली प्लेस कर रहा हूँ, राइट। मेरे दोनों आर्म्स पैरेलल टू ईच अदर हैं, और अभी आप देखेंगे किस तरीके से मैं अपने आप को रेज कर रहा हूँ अपने फीस के ऊपर, एंड देन ट्राइसेप्स पे पुश अपनी तरीके से पुश कर रहा हूँ, राइट। एंड मैं जितनी भी एक्सरसाइज दिखाऊंगा गाइस, आप डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ, आप चाहे उसको अपने लेग्स पूरे स्ट्रेट करके रखें, चाहे आप अपनी नी को ग्राउंड पे सपोर्ट करके खाली अपर पोर्शन का वेट दें, जितना आप अपर बॉडी में वेट देंगे उतना ज़्यादा वो ट्राइसेप्स पे आएगा। तो अगर आप नी सपोर्ट मतलब नहीं रखना चाहते ग्राउंड पे, आप एकदम प्रॉपर अपर बॉडी इन अ पुशअप पोजीशन रखना चाहते हैं, तो दैट इज टोटली ऑन योर स्ट्रेंथ। तो ये पहली एक्सरसाइज थी जिसमें आपको आपके आर्म्स को पैरेलली प्लेस करना है और आपको पुश करना है ऑन योर फीस। जो अब आपको वीडियो में सेकेंड एक्सरसाइज दिखेगी गाइस, ये बेसिकली इसमें आपको क्या करना है कि आपको अपने आर्म्स को अपने इस थोड़ा सा शोल्डर से आगे की तरफ डिस्टेंस पे रखना है, क्लोज टू ईच अदर, राइट। आपके फीस अपने एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे, और आपकी एल्बो आपके ग्राउंड पे जैसे आपकी प्लैंक पोजीशन थी बेसिकली, उस तरीके से आप अपने सपोर्ट करोगे। आपको रेज करना है अपने आपको अगेन, इस पर भी आपका जो एंड पोजीशन हो चाहिए जहाँ आपको अपने ट्राइस को एक्सटेंड करना है, दैट इज टिल योर फीस्ट, राइट। इस तरीके से आप अपने आपको स्ट्रेच करोगे। अगेन आप यहाँ पे भी देख सकते हो, अब नहीं मैंने अपनी लेग्स स्ट्रेट भी रखे हैं, आप अपनी चाहे नीज को ग्राउंड के सपोर्ट पे रख के आप इस तरीके से अपनी ट्राइसेप्स को मसल को यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये थी आपकी सेकंड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज अच्छा कुछ लोगों ने देखा होगा, ये बेसिकली पुशअप का वेरिएशन है। सो ये क्लोज ग्रिप पुश, एक तरह से क्लोज ग्रिप पुशअप है, जिसमें आप अपने आर्म्स को एक डायमंड फॉर्म में रखते हो। आप वीडियो में देख सकते हो किस तरीके से हाथ को एक डायमंड फॉर्म में बनाया है, चेस्ट की जस्ट सेंटर में उसको एक सीधा प्लेस करना है, और आप एकदम नीचे जाके ग्राउंड लेवल पे उसको अपने बॉडी को टच कराएंगे चेस्ट को अपने हाथ से, एंड देन यू कम बैक। सो दिस इज द थर्ड वेरिएशन फॉर दिस एक्सरसाइज। वंस यू आर डन विद दिस, अगेन इस एक्सरसाइज में भी एक वेरिएशन हो सकती है, तो जिसमें अभी आपको वीडियो में दिखेगा कैसे, अभी आप देख सकते हो मैं एक ये क्लोज क्लोज पुशअप्स मार रहा हूँ, देन उसके बाद मैं एक वाइड नॉर्मल पुशअप्स मार रहा हूँ। सो ये प्लस में चल रहा है, इस तरीके से भी आपके ट्राइसेप्स में एक कंटिन्यूटी बरकरार रहती है, ऑफ कोर्स आपके दोनों इनर एंड आउटर मसल ट्राइसेप्स के यूटिलाइज होते हैं। सो ये थे आपके नॉर्मल एक्सरसाइजेस, और अगेन मोस्ट कॉमन एक्सरसाइज जो आप इजीली कर सकते हैं, आई एम श्योर काफी लोगों ने देखी भी होगी और करा भी होगा। दीज आर बेसिकली बेड डिप्स, जो चाहे आप अपने बेड या सोफा पे कर सकते हो। भी आप मेरे को देखोगे कि मैं किस तरीके से बेड पे अपने हाथ का सपोर्ट लेके कर रहा हूँ, एंड इट इज़ वेरी इजी टू डू। सो आई एम श्योर आप लोग ये एक्सरसाइज ट्राई करेंगे। अगर फ्रॉम अ एक्सरसाइज सेट परस्पेक्टिव बोलूँ, हर एक्सरसाइज को आपको 4 times करना है, 10 to 12 रिपीटेशन माने हर सेट में, एंड आप इजीली अपनी ट्राइसेप की मसल में इससे डिफरेंस फील कर सकते हो गाइस। फॉर बॉय स्पेशली अगर वो बाइक राइड कर रहे हैं
आर्म की जो मसल है जब ट्राइसेप जितना यूज होता है वो उतना अच्छा लुक देता है। और फीमेल्स अगर उनका आर्म थोड़ा फ्लैपी है, इस तरफ से थोड़ा लूज है, तो वो इस इन एक्सरसाइज की हेल्प से बहुत इजीली टाइट हो सकता है। सो आई एम श्योर आप लोग इस एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे और अगर आपको इस एक्सरसाइज से बेनिफिट मिले सो डू शेयर योर कमेंट्स एंड डू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट इन द टाइम। हैव फन एंड डू यू नो थिंग्स दैट कीप यू फिट। थैंक यू सो मच। हैव अ फिट एंड फन लाइफ। थैंक यू वेरी मच।